अभी आपने मेंशन किया कि न्यू टैक्स रेजीम डिफॉल्ट हो गया है, और एक हमारे यूजर्स के लिए एक डिफरेंस आप बता सकते हो कि ओल्ड टैक्स रेजीम और न्यू में एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है? सो कुछ साल पहले न्यू टैक्स रेजीम को इंट्रोड्यूस किया गया था. पहले सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजीम होती थी, तो ओल्ड टैक्स रेजीम में ज़्यादा टैक्स स्लैब्स होते हैं, न्यू टैक्स रेजीम में कम टैक्स स्लैब्स होते हैं. एक मेजर डिफरेंस ये है ओल्ड टैक्स रेजीम और न्यू टैक्स रेजीम में कि ओल्ड टैक्स रेजीम में जो तुम्हारे अगर तुम कोई अलाउंस या फिर वो सब अगर HRA वगैरह भर रहे हो तो उसका तुम डिडक्शन ले सकते हो इसमें. और जो डिडक्शंस जो तुम जैसे ELSS में अगर इन्वेस्टमेंट की है या फिर ATD के अंदर तुमने मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा है तो ये सब तुम डिडक्शंस अवेल कर सकते हो और उसके हिसाब से तुम्हारी इनकम कैलकुलेट होगी और उसके बाद तुम्हारा टैक्स कैलकुलेट होगा. वेयर एज न्यू टैक्स रेजिम में तुम ये सब बेनिफिट्स नहीं ले सकते, कोई डिडक्शन नहीं ले सकते, कोई अलाउंसेस का बेनिफिट नहीं ले सकते. तो फिर जो अमाउंट है तुम्हारा इनकम उस पे टैक्स कैलकुलेट होगा. अच्छा, तो वो उसका टैक्स स्लैब भी अलग तरीके से उन लोग ने दिया हुआ है। ओके एंड देर इज नो स्टैंडर्ड रूल कि कौन से इंसान के लिए क्या टैक्स रेजीम बेटर है. सबके लिए अलग अलग होता है. सो वन शुड डेफिनेटली कैलकुलेट कि उनके लिए क्या बेटर है एंड टेल द HR एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर इन द इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म दैट द HR आस्क्स फॉर. उसमें बताओ कि तुम्हारे लिए क्या बेनिफिशियल है, वो चूज करो और उस हिसाब से ही वन शुड गो हेड. ऐसे नहीं कि अपने फ्रेंड्स को देख के या फिर किसी और से एडवाइस लेके कि तुम क्या कर रहे हो मैं भी वही टैक्स रेजिम चूज करता हूँ. सबका अलग अलग होता है. सो वन शुड कंसिडर कि वॉट देयर एक्सपेंसेज आर, वॉट देयर इन्वेस्टमेंट्स आर, वॉट देयर अलाउेंसेज आर एंड अकॉर्डिंगली चूज द बेस्ट वन फॉर देम. बिकॉज अगर टैक्स रेजिम गलत चूज कर रहे हो तो तुम्हारा ही लॉस है. और पहले दे हैड अ चॉइस कि ओल्ड टैक्स रेजिम चूज करना है या न्यू टैक्स रेजिम चूज करना है. अभी अगर तुम कोई भी टैक्स रेजिम, अभी भी तुम्हारे पास चॉइस है कि ओल्ड करना है या न्यू करना है, बट अगर तुम कोई टैक्स रेजिम चूज नहीं कर रहे हो तो एज अ डिफॉल्ट तुम्हारा कंसिडर किया जाएगा कि तुम न्यू टैक्स रेजिम चूज कर रहे हो और टैक्स अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होगा. सो इंडिया में बहुत सारे लोगों को इन्वेस्ट और ट्रेड करके पैसा तो बनाना है, बट अ लॉट ऑफ देम डोंट नो द राइट वे. इसी वजह से दे रिलाई ऑन टिप्स एंड एडवाइसेस फ्रॉम द रॉन्ग पीपल. और इसी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए हमने upsearch.club एज अ प्लेटफॉर्म बनाया है, जहाँ पे हमारे पास 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज हैं फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है. एज यू कैन सी, हमारे सारे कोर्सेज काफ़ी अफोर्डेबल रेंजेस में हैं. फॉर एग्जाम्पल, ज्योति बुद्धिया का ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स हमारे पास सिर्फ ₹399 में अवेलेबल है. इसमें हमारे पास 6 घंटे का कॉन्टेंट है और मैम ने वो सारी चीज़ें कवर की है विच आर नेसेसरी फॉर यू टू बिकम एन ऑप्शन ट्रेडर. अगर आप देखोगे तो फ्रॉम अ बिगनर लेवल टू एन एडवांस लेवल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं. इसी को और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने इन सभी कोर्सेज को हमारे सब्सक्रिप्शन मॉडल में भी इंक्लूड किया है. आपके सभी कोर्सेज को सिर्फ ₹2,999 में एक्सेस कर सकते हो. तो आज ही आप हमारी वेबसाइट चेकआउट कीजिए और अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी को सही तरीके से शुरू कीजिए. ट्विंकल, आपने मेंशन किया कि न्यू टैक्स रेजीम अब डिफॉल्ट हो गया है, तो क्या हम चेंज कर सकते हैं ओल्ड टू न्यू? सो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे काम कर रहे हो. फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स यू कैन चेंज इट एवरी ईयर, यू हैव द ऑप्शन टू चेंज इट एवरी ईयर, ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम, विच एवर वर्क्स बेटर फॉर यू. बट अगर आप स्टार्टिंग में अगर HR को बोल देते हैं कि हमें न्यू टैक्स रेजिम के साथ जाना है तो मिडल ऑफ द ईयर ना चेंज करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. वरना क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से उसने न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से TDS कट किया है, फिर उसके बाद तुम बोलोगे कि हमें ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना है तो दैट विल बी प्रॉब्लमैटिक. इसलिए एवरी ईयर यू कैन चेंज, इट्स यू शुड नॉट चेंज इन द मिडल ऑफ द ईयर. एंड वहीं बिजनेस ओनर्स और प्रोफेशनल्स के लिए सिर्फ एक बार चेंज कर सकते हो. अगर तुमने ओल्ड से न्यू टैक्स रेजीम में ऑप्ट कर लिया एक बार तो तुम्हारे पास एक ही बार पूरी लाइफ टाइम में ऑप्शन है कि तुम वापस से ओल्ड टैक्स रेजीम में जा सकते हो. अगर तुम ओल्ड टैक्स रेजीम में चले गए तो कभी वापस से न्यू टैक्स रेजीम को चूज़ नहीं कर सकते. सो इट डिपेंड्स ऑन वॉट योर, हाउ यू आर वर्किंग, इन वॉट कैपेसिटी.